हेलो फ्रेंड्स, मेरा रविकांत है और कॉम्पिटिटिव वर्क नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का हमारा फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और यहाँ पे जितनी भी वीडियोज़ होगी सभी को मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, सो आपको वीडियो को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सो इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक के ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो साइंस होगी वो 7 से लेकर 10th क्लासेस तक की देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर और जनरल स्टडी जो UPSC के लिए होंगे, ये वीडियोज़ भी आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। सो ये वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं, इनकी भी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो यहाँ पे जो ज्योग्राफी के नोट्स होंगे ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिए जाएंगे। सो यहाँ पे जो नोट्स होंगे ये फेसबुक पेज और जो इंस्टाग्राम पेज है इसके ऊपर यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे जैसे ही यहाँ पे पूरी बुक फिनिश हो जाएगी। सो यहाँ पे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को यहाँ पे चैनल को लाइक कर लेना। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक गिवन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करें। सो यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुँचते रहेंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सो चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो सबसे पहले यहाँ पे रिसोर्सेज समझते हैं कि होते क्या हैं। सो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो सभी चीज़ें जो इन्वायरमेंट में यहाँ पे उपलब्ध हैं, जो हमारी ज़रूरतों को यहाँ पे पूरा करती हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि मिनरल्स हो गया, फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल हो गए, ठीक है, जैसे जंगलों से हम लकड़ी लाते हैं, ठीक है, उनसे हम फिर यहाँ पे बहुत उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सभी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये सभी रिसोर्सेज, ठीक है, वाटर, लैंड, एयर, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो रिसोर्सेज की कैटेगरी में आती है, जो हमारी ज़रूरतों को डे बाय डे की जो ज़रूरतें होती है उसको पूरा किया जाता है। अब रिसोर्सेज के यहाँ पे कुछ फीचर्स भी होते हैं, ठीक है, कैसे वो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब कि हम यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उनका हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट या औजार हैं कि हम उनको रिसोर्सेज को आसानी से प्राप्त कर सकें। अब जैसे कि यहाँ पे समुद्रों से क्या करना है कि हम लोगों ने पेट्रोल यहाँ पे, ठीक है, जो भी तेल होता है हमने वो निकालना है। अब वो निकालना है यहाँ पे हमारे पास मशीनें होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे जो तेल है वो आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। ज़मीन के अंदर से हमने कोयला निकालना है, सो हमारे पास अगर मशीनें होंगी जैसे JCB मशीनें होती हैं, ठीक है, सो आसानी से हम उसको खोद सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ से कोयला निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब कि इकोनॉमिकली भी यहाँ पे संभव होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे मशीनों को खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे पैसा लगा देते हैं, जैसे हम कोई भी माइन है, ठीक है, खनन है, वहाँ से हम कोयला निकाल रहे हैं, लेकिन बाद में पता चले कि वहाँ पे कोयला नहीं मिला, ठीक है, यहाँ या बहुत ही कम क्वालिटी का मिला, जिसकी वजह से जो हमने इतने ज़्यादा पैसे लगा दिए कि उससे हमारा प्रॉफिट भी वहाँ से पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ें भी मायने रखती है, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। थर्ड है यहाँ पे कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब कि जो सांस्कृतिक रूप से भी उसको स्वीकार किया जाना जरूरी है। अब जैसे कि यहाँ पे लेट्स सपोज कि जो रिसोर्सेज हैं वो जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनके नीचे यहाँ पर हैं, ठीक है, लेकिन हम उन रिसोर्सेज को अगर पाना चाहते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोगों की उनसे आस्था जुड़ी हुई है उसको भी नुकसान ना पहुँचाया जाए, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, रिसोर्सेज को पाने के लिए। सो ये यहाँ पे तीन पॉइंट्स हैं, ठीक है, सो आसान है, सो आप लोगों ने याद रखने। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो इसको यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन है यहाँ पे रिसोर्स की, सो ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजन, यहाँ पे जो ओरिजन के बेसिस के ऊपर देख लेते हैं। सो दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया, पहला है यहाँ पे बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग थिंग्स से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, जो जीवित हैं, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हो जाएगा, फ्लोरा हो जाएगा, ठीक है, वनस्पति, इन्वायरमेंट, फौना जीव जंतु को बोलते हैं, फिशरीज हो जाएगा, ठीक है, लाइफ स्टॉक जो पशुधन होता है जिसको हम जैसे डायरी में, ठीक है, यूज़ करते हैं, पशुओं को दूध निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे
कॉमर्शियली जिनका हम इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ स्टॉक। ठीक है, सो ये सभी किस कैटेगरी में आ जाएगा? बायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाएगा। सेकंड है यहाँ पे अबायोटिक रिसोर्सेज। सो अबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से यहाँ पे जिनको प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जिनकी रचना या बनाया जाता है जिनको नॉन लिविंग थिंग्स से, उनको अबायोटिक रिसोर्सेज बोला जाता है। जैसे कि रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है? अबायोटिक, यानी कि जो निर्जीव, जो जीवित नहीं है उनसे प्राप्त किया जाता है जो रिसोर्सेज, उसको बोला जाता है अबायोटिक रिसोर्सेज। सो नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टेबिलिटी, ठीक है, जो ख़त्म होने की कगार पर है, ये भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट है यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनको फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है, फिर से प्रोड्यूस, पैदा किया जा सकता है, उसको बोला जाता है रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज बोला जाता है। जैसे सोलर एनर्जी, अब सोलर एनर्जी की बात करें सो सूरज की रोशनी से, ठीक है, सोलर पैनल होते हैं सो उनसे हम बिजली उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ये वो शक्ति है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है, सोर्स है, ये कभी भी नहीं ख़त्म होगा। सिमिलरली विंड एनर्जी, ठीक है, सो विंड जैसे अंधेरी तूफान चलते हैं, सो जो देखा होगा आप लोगों ने पंखे टाइप जो घूमते रहते हैं, ठीक है, इनका भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है बिजली उत्पन्न करने में, ठीक है। सो ऐसे यहाँ पे जो वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सो ये सभी यहाँ पे जो रिसोर्सेज है किस कैटेगरी में आ जाएंगे? रिन्यूएबल, जिनको हम फिर से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जैसे हमने जंगलों में पेड़ पौधे उगाए, ठीक है, सो उनको काटा, वो लकड़ियों का हमने फर्नीचर वगैरह जो भी कुछ बनाया, उसकी जगह पे हम फिर से यहाँ पे नए पेड़ पौधे उगा सकते हैं, फिर से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ये सभी रिन्यूएबल, यानी कि फिर से इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ठीक है, ये सभी रिन्यूएबल कैटेगरी में आ जाएगा। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में यहाँ पे इसको जो बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है जियोलॉजिकली, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जैसे मिनरल्स हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ठीक है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला हो गया, ठीक है, इनको यहाँ पे बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल समुंदर के नीचे, ठीक है, बनते हैं, आई होप आप लोगों को प्रोसेस इसका पता होगा। सिमिलरली जो कोल है ये ज़मीन के नीचे, ठीक है, बनता है, जो पेड़ पौधे या जो अवशेष यहाँ पे जानवरों के, ठीक है, मिट्टी के नीचे जो दब गए थे हजारों लाखों साल बाद ड्यू टू द प्रेशर, हीट, इसकी वजह से वो कन्वर्ट हो गए धरती के नीचे कोल में। और अगर ये सभी समुंदर के नीचे पाए जाते हैं तो पेट्रोल, डीजल में वो कन्वर्ट हो गए, ठीक है। सो ये सभी आपको पता ही होगा, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, मिनरल्स भी जैसे गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सभी बातें हैं। सो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। अगर तो हमने एक बार इसको इस्तेमाल कर लिया फिर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, कोल, ठीक है, ये बहुत कम रह रहे हैं। सो मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको लगते हैं बनने में। और यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज हैं जैसे कि मेटल्स जो रिसाइकलेबल है, इनका हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका हम फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तो ये एक बार ख़त्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए इनका यूज़ करने के बाद, ठीक है, सो उनको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, चार्ट है आपकी बुक में रिसोर्सेज का, ठीक है, सो नेचुरल और ह्यूमंस दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। नेचुरल से जो प्राप्त होता है कुदरत से, इन्वायरमेंट से, वो आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल आगे जो कॉन्टीन्यूअस और जो फ्लो, ठीक है, यानी कि जैसे विंड, वाटर हो गया, सोलर हो गया, ठीक है, ये सभी कॉन्टीन्यूअस है रिसोर्सेज, ठीक है, जो हमें मिलते हैं इनसे। सिमिलरली यहाँ पे जो बायोलॉजिकली आ जाएगा इसमें, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशंस जैसे फॉरेस्ट आ जाएगा और वाइल्ड लाइफ आ जाएगा बायोलॉजिकल में, ठीक है, ये सभी क्या है? यहाँ पे रिन्यूएबल, जिनको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं और बार बार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, दो कैटेगरी में, एक तो है ये रिसाइकलेबल और एक दूसरा है नॉन रिसाइकलेबल। जैसे रिसाइकलेबल में मेटल्स हो गया, ठीक है, गोल्ड का हम इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं, सिल्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिसाइकल कर करके उसको, ठीक है। सो नॉन रिसाइकलेबल में क्या आ जाएगा? फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, ठीक है, ये सभी, इनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, अगर एक बार ख़त्म हो गया तो हो गया। सिमिलरली ह्यूमन दो कैटेगरी में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में इनके बारे में।
और गाइस यहाँ पे जो ज्योग्राफी की क्लासेस है, कल से यहाँ पे मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। सो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर तो मुझे इसका रिस्पांस अच्छा मिलता है तभी हम यहाँ पे ज्योग्राफी और मैथ की क्लासेस को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज़ अगर मुझे रिस्पांस इसका अच्छा नहीं मिला, पहले यहाँ पे जो 9th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स की वीडियो स्टार्ट होंगी, जब वो ख़त्म हो जाएंगी तब जाकर यहाँ पे क्लास 10th की स्टार्ट होंगी। अदरवाइज़ अगर तो रिस्पांस मुझे अच्छा मिल रहा है, लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट अगर आपके अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्योग्राफी की वीडियोज़ है ये भी क्लास 9th की वीडियो के साथ ऐसे ही कंटिन्यू स्टार्ट होंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सो फर्स्ट इसमें कैटेगरी आती है इंडिविजुअल रिसोर्सेज की। इंडिविजुअल रिसोर्सेज में कैसे, जैसे कि किसी इंसान ने अपना खुद का यहाँ पे प्राइवेटली यानी कि कुछ खरीदा हुआ है, जैसे लेट्स सपोज कि मैंने अपने खुद के एक कार खरीदी हुई है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो जाएगा, यानी कि मैंने वो खुद अपने पैसों का यहाँ पे खरीदा हुआ है, ठीक है, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ओन्ड, दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के द्वारा यहाँ पे खुद प्राइवेटली उसको खरीदा गया है। जैसे यहाँ पे कुछ फार्मर्स, ठीक है, बहुत सारे फार्मर्स हैं यहाँ पे जो ज़मीन के मालिक होते हैं, ठीक है, जो सरकारों के द्वारा उनको दी जाती है, लेकिन उसके बदले में उनको क्या करना पड़ता है, टैक्स को पे करना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे गांव में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत सारी ज़मीन के स्वामी हैं, ठीक है, और ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिनके पास ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे यहाँ पे जो शहरों में लोग रहते हैं, ठीक है, उनके पास प्लॉट देखने को मिलेंगे, घर देखने को मिलेंगे और भी अदर प्रॉपर्टी उनकी खुद की देखने को मिलेंगी, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जैसे प्लांटेशन, ठीक है, बाग हो जाएगा, चारागाह मैदान हो जाएंगे, तालाब हो जाएंगे, जो खूह में पानी होता है, ठीक है, ये सभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं किसी इंडिविजुअल्स की जो वो खुद यहाँ पे खरीद, उसने खुद का यहाँ पे अपना खरीदा होगा। सेकेंड है यहाँ पे कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। कम्युनिटी मतलब कि यहाँ पे जो पूरा, लाइक अगर हम एक गांव की बात करें, ठीक है, वो रिसोर्सेज उन सभी के लिए यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, ठीक है, पूरे गांव यानी कि कम्युनिटी के लिए, एक समूह के लिए, उसको यहाँ पे बोला जाता है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। यहाँ पे विलेज कॉमर्स में जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जो चारागाह, जैसे जहाँ पे जो कैटल्स जहाँ पे चरते हैं, ठीक है, बोरियल ग्राउंड्स जो दफन करने वाली जगहें होती है, शमशान घाट वगैरह, ठीक है, वो क्या एक कम्युनिटी के द्वारा यूज़ किया जाता है सभी के, ऐसे नहीं कोई पर्टिकुलर इंसान ही वहाँ पे जाकर, ठीक है, वो पूरी कम्युनिटी के लिए होता है। जो विलेज पॉन्ड्स, जो तालाब होते हैं, ठीक है, गाँव के लिए, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स, ठीक है, ये सभी यहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ के लिए उपलब्ध होते हैं, ये यहाँ पे एक कम्युनिटी के लिए यहाँ पे होते हैं, ठीक है, जो प्रोवाइड किए जाते हैं सरकारों के द्वारा। आगे यहाँ पे नेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं। नेशनल रिसोर्सेज यहाँ पे जो टेक्निकली बिलोंग करते हैं एक नेशन के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए, अगर हम इंडिया की ही बात करें, ठीक है। यहाँ पे कंट्री को यहाँ पे कानूनी ताकतें यहाँ पे दी गई हैं कि वो किसी भी प्राइवेट जो लैंड है या प्रॉपर्टी है उसको वो ले सकते हैं पब्लिक गुड्स, ठीक है, पब्लिक को यहाँ पे सहायता पहुँचाने के लिए। जैसे कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे किसी की ये प्राइवेट ज़मीन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सरकार ने नक्शा बनाया है कि यहाँ से इस ज़मीन से जो रेल की पटड़ी है यहाँ पे बिछाई जाएंगी। अब जो सरकार ने सोच लिया है वो तो यहाँ पे जो ज़मीन किसी प्राइवेट की है उनसे ये ले ली जाएगी, ठीक है, इसके बदले में हो सकता है वो उनको पैसे दे, या जितनी ज़मीन वो यूज़ कर रहे हैं इसी के बदले वो कहीं और इसको ज़मीन दे सकते हैं, ठीक है। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो भी वो किसी दूसरे जिसकी वो ज़मीन ले रहे हैं उनके साथ जैसे वार्तालाप उनकी होती है, ठीक है। यहाँ पे वो ज़मीन यहाँ पे ले सकते हैं कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे रोड बनाना है, केनाल्स बनाने हैं, रेलवे स्ट्रक्चर जो भी उन्होंने बनाना है, ठीक है, वो ये सभी ले सकते हैं। यहाँ पे जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको ये अधिकार दिए गए हैं सरकार के द्वारा कि वो लैंड को यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जितनी भी ज़मीन है जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंडर आती है, मतलब कि जो इंडिया का नक्शा है, ठीक है, इंडिया का ये जो नक्शा है, ठीक है, जैसा भी, यहाँ पे जितनी भी ये सभी बात
ठीक है, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ज़मीन जितनी भी, ये सभी इंडिया में जो आती है, और इसके साथ में जो ओशनिक एरिया है, ठीक है, जो समुंदर वाला एरिया है, लेट्स सपोज नीचे जो इंडियन ओशन हो जाएगा, ठीक है, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है, आपकी बुक में 19.2 किलोमीटर लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है। आप जाकर इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सो 12 नॉटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। सो इतना एरियाज़ के ऊपर यहाँ पे किसी भी कंट्री का जो अधिकार होता है, ठीक है, वो चाहे जो मर्जी कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे इनका अधिकार नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये टेरिटरी है 22.2 किलोमीटर तक की, ठीक है। यहाँ पे जो भी वाटर और रिसोर्सेज हैं वो बिलोंग करते हैं किसको, उस पर्टिकुलर कंट्री को, ठीक है। अब जैसे इंडियन ओशन जो, ठीक है, हमारे साउथ में है, सो यहाँ पे 22.2 किलोमीटर तक का जो भी एरिया है, वो जितने भी रिसोर्सेज हो गए वो कहाँ पे लाई करते हैं, वो नेशनल रिसोर्सेज में, यहाँ पे मतलब कि नेशन में ही वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में यहाँ पे क्या आएगा कि जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको जो कंट्रोल किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ एरिया हो गया इसका भी, ठीक है, वो एरिया कितना है यहाँ पे, ओशनिक रिसोर्सेज यहाँ पे जो 200 किलोमीटर के बियॉन्ड है, जो इसके बाद वाला जो एरिया है, ठीक है, ओपन ओशन में, वहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल कंट्री को ये कोई भी अधिकार नहीं है कि वो उसको जाकर ऐसे ही यूज़ करे, ठीक है। यहाँ पे पहले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ वो उनके इस्तेमाल करे या नहीं, तब जाकर अगर वो परमिशन देते हैं तब जाकर हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना 200 किलोमीटर के बड़े यहाँ पे किसी भी कंट्री का कोई अधिकार नहीं होता उसको इस्तेमाल करने का, ठीक है। यहाँ पे हमें परमिशन लेनी पड़ती है इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे खोले गए हैं, जैसे यूएसए, ठीक है, जो भी कानून बनाते हैं वो। अब जैसा कि यहाँ पे आपकी बुक में गिवन है कि भारत के पास यहाँ पे जो मैगनीज की जो माइंस हैं, ठीक है, इंडियन ओशन में जो 200 किलोमीटर के बियॉन्ड जो एरिया है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सो यहाँ पे इंडिया को अधिकार है कि वो यहाँ पे जो मैगनीज की खनन, ठीक है, उनका यहाँ पे अधिकार दिया गया है कि वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ को यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। पहले परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ पे जाकर कि वो यहाँ पे काम कर सकते हैं या नहीं, अगर तो उनके द्वारा परमिशन दे दी जाती है फिर वो आसानी से वहाँ पे काम कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, जैसे कि इंडिया को यहाँ पे परमिशन मिली हुई है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, सो डेवलपमेंट के स्टेटस के लिहाज से भी देख लेते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट है यहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में यहाँ पे जो विंड और सोलर एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे अंधेरी तूफान चलते हैं और यहाँ पे बहुत गर्म इलाका है, ठीक है, सो सोलर एनर्जी यहाँ पे बहुत पावरफुल होगी, सो इसलिए यहाँ पे, लेकिन ये इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाए हैं ये जो स्टेट्स हैं इंडिया की, सो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पोटेंशियल रिसोर्सेज आ जाएगा, मतलब कि वहाँ पे रिसोर्सेज हैं लेकिन उनको इस्तेमाल करने के लिए उनके पास इतने ज़्यादा इक्विपमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं है या वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, सो ये कैटेगरी पोटेंशियल रिसोर्सेज में आ जाएगा। सो सेकंड है यहाँ पे डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनका यहाँ पे सर्वे किया गया है, ठीक है, निरीक्षण वहाँ पे किया गया है और उनकी यहाँ पे जो क्वालिटी या क्वांटिटी है वो भी यहाँ पे देख ली गई है कि हाँ ये इस्तेमाल करने के योग्य है, और यहाँ पे जो डिपेंड करता है ये टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे कैसी है और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी अगर तो फिजिबिलिटी है, मतलब कि यहाँ पे होने की संभावना है कि टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, ठीक है, जैसे कि हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं इसको, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ठीक है, जो पेट्रोल डीजल वगैरह हम निकाल भी रहे हैं, ठीक है, समुद्रों से, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मशीनें हैं, सो ये डेवलप्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे सर्वे किया, क्वालिटी क्वांटिटी देखा कि हाँ वो इस्तेमाल करने योग्य है, तब जाकर हम उनको निकाल रहे हैं यहाँ से, सो वो डेवलप्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाएगा। सो नेक्स्ट है यहाँ पे स्टॉक।
सो स्टॉक यहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इन्वायरमेंट में होते हैं और यहाँ पे जो ह्यूमंस की जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे होते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनका इस्तेमाल कर सकें, उसको बोला जाता है यहाँ पे स्टॉक। ठीक है, सो ऐसे यहाँ पे रिसोर्सेज जो ह्यूमंस की ज़रूरतों को यहाँ पे पूरा कर सकें लेकिन हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनका इस्तेमाल कर सकें, उसको यहाँ पे बोला जाता है स्टॉक। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि जो वाटर, वाटर यहाँ पे किसका बना होता है, H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिला होता है। अगर तो हम इनको दोनों को अलग करते, हाइड्रोजन का जो इस्तेमाल यहाँ पे करें, ठीक है, फ्यूल के लिए बहुत ही यहाँ पे लाभदायक होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये रिच सोर्स है एनर्जी का, और यहाँ पे ये रिच सोर्स है एनर्जी का अगर हम इसको यूज़ करें, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इनको अलग करने की। ठीक है, सो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, स्टॉक की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे रिजर्व्स। सो रिजर्व्स यहाँ पे क्या है कि ये भी एक स्टॉक का ही हिस्सा है। ठीक है, सब पार्ट है ये स्टॉक का, लेकिन यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब कि आज के समय में जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है उससे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं। इसको हमने रखा हुआ है फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, जब फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, सो इसको यानी कि बोला जाता है रिजर्व, मतलब कि सुरक्षित रखा हुआ है अभी। जैसे कि रिवर वाटर की अगर हम बात करें, सो रिवर वाटर को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए, बट लेकिन प्रेजेंटली हम इसका लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कि हम अगर बात करें वाटर जो डैम्स में है या फॉरेस्ट में है, ठीक है, अब वो ऐसी रिजर्व रखा हुआ है उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उसको यहाँ पे रखा गया है फ्यूचर के लिए। ठीक है, कि फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सो नेक्स्ट है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में यहाँ पे जो रिसोर्सेज है बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवर के लिए, एज वेल एज यहाँ पे जो लाइफ की एक क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे ये विश्वास करा जाता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं ये हमें कुदरत से गिफ्ट के तौर में, फ्री गिफ्ट यहाँ पे हमें कुदरत दे रही है, लेकिन इसके नतीजे के लिहाज से अगर हम देखें जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इसका अंधाधुंध यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती है। सो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट यहाँ पे है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर तो हम इसका अंधाधुंध यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपने लालच को पूरा करने के लिए, हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो रिसोर्सेज हैं उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है। अब यहाँ पे लालच बढ़ता जा रहा है, सो जैसे ठीक है वो क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं अपने लालच के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड है यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो कुछ हाथों में यहाँ पे चले गए हैं, जिसकी वजह से वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सोसाइटी है वो दो हिस्सों में यहाँ पे बढ़ चुकी है। ठीक है, कौन कौन से दो हिस्से हैं, एक तो जिनके पास रिसोर्सेज हैं और दूसरे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि एक तो अमीर वर्ग हो जाएगा और दूसरा गरीब वर्ग हो जाएगा। सो दो हिस्सों में यहाँ पे वो बंट चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनका यहाँ पे शोषण किया जा रहा है अंधाधुंध, और यहाँ पे इतना ज़्यादा इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी आपको इकोलॉजिकल क्राइसिस, ठीक है, संकट यहाँ पे देखने को मिलेगा वातावरण के ऊपर, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यहाँ पे जो धरती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती जा रही है, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, टेम्परेचर डे बाई डे यहाँ पे डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे जो ओजोन लेयर है, ठीक है, उसमें भी छेद हो रहा है, जिसकी वजह से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं सूरज से धरती की तरफ वो आ रही है, कैंसर की प्रॉब्लम्स या ठीक है कैंसर हो गया, स्किन की प्रॉब्लम्स, ऐसी बहुत सारी बीमारियां वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी समस्या है ये। ठीक है, इसके ऊपर किसी दिन डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ये भी बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे जो लैंड डिग्रेडेशन है वो, यहाँ पे जो ज़मीन है वो कम होती जा रही है। ठीक है, या आप बोल सकते हो जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी यहाँ पे ख़त्म होती जा रही है। या अगर तो यहाँ पे प्रेजेंट ट्रेंड देखा जाए रिसोर्सेज का जो बहुत ही यहाँ पे कम होता जा रहा है,
कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है, और कंट्रीज के द्वारा ये ऐसी कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे फ्यूचर के लिए एक खतरा पैदा हो सकता है हमारी प्यारी धरती के लिए। सो यहाँ पे रिसोर्सेज प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, सभी के लिए यहाँ पे उसका एक निर्माण सही ढंग से किया जाए। ठीक है, क्या होता है ये अभी हम आगे देखते हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने जो विकास करना है, जो डेवलपमेंट करना है, वो इस तरीके के साथ करना है कि हमने वातावरण को यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना है, और इसके साथ में यहाँ पे जो डेवलपमेंट होनी है, होनी चाहिए आज के समय में, वो हमने विकास इस तरह करना है कि जो रिसोर्सेज है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो हमने इस्तेमाल नहीं करने हैं। ठीक है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी होने चाहिए, उनके लिए भी होने चाहिए। सो ऐसे में फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमने देख के ही उन अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, ना कि अंधाधुंध पूरा करना है। ठीक है, अंधाधुंध हमने इनको ख़त्म करना है। सो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कि हमने इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और हमने प्रेजेंट की जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करना है, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमने बचा के रखना है। सो दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सो सिंपल लैंग्वेज में। सो नेक्स्ट है यहाँ पे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, जो पहली हुई थी 1992 में। सो यहाँ पे ब्राज़ील के जो रियो डी जेनेरियो है, वहाँ पे 1992 में जून में पहली बैठक हुई थी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जो +2 की वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, आई थिंक, या 8th या 9th चैप्टर है, ठीक है, वहाँ पे आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सभी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, वैसे अगर आप जाकर डिटेल में देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है, क्या था क्या नहीं, सो लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देता हूँ। 1992 जून में हुआ था। हंड्रेड्स यहाँ पे जो स्टेट्स थी, ठीक है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, और भी बहुत सारे एनजीओस थे जिन्होंने यहाँ पे जो पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट, यानी कि धरती के रिगार्डिंग यहाँ पे बैठक हुई थी, इसमें पार्टिसिपेट करा था। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थी, जो मेजर प्रॉब्लम्स थी, उनके ऊपर डिस्कशन हुआ था कि कैसे यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने करनी है ग्लोबल लेवल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट को भी साथ में लेकर चलना है हमने। सो यहाँ पे जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उनके द्वारा यहाँ पे एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो रियो डी जनेरियो में हुआ था। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे जो एजेंडा 21, इसको भी यहाँ पे साथ में लेकर चला गया था। ठीक है, सो 21st सेंचुरी में। सो क्या था ये एजेंडा 21? सो ये भी एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था वर्ल्ड लीडर में 1992 में, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके द्वारा यहाँ पे ये किया गया था। जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको यहाँ पे छूट दी गई थी कि हाँ, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे पोल्यूशन कर सकते हैं, जैसे इंडिया, चाइना, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ 1992 के समय में। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट किया था, उनको यहाँ पे एक कानून उनके ऊपर ही, लाइक आप बोल सकते हो कि थोपे गए थे कि उन्होंने यहाँ पे पोल्यूशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये जो गैसेस हैं, कम से कम अब प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, अर्थ समिट हुआ था। यहाँ पे क्या एजेंडा था कि इन्वायरमेंट को यहाँ पे जो डैमेज यहाँ पे बहुत कम किया जाना चाहिए, पॉवर्टी हो गया, ठीक है, गरीबी, डिसीजेज, जो बीमारियाँ होती हैं, इनके ऊपर मेनली इन्होंने फोकस किया था, जो एजेंडा 21 है। ठीक है, सो ये बेसिक बातें आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग के ऊपर। रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है कि जो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को बोलते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट करना कि रिसोर्सेज को कैसे यहाँ पे प्रॉपर इस्तेमाल इसका किया जाए। सो यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इंडिया कंट्री के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे आपको रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी में आपको रिसोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे जो रिसोर्सेज वो बहुत ही रिच मात्रा में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे यहाँ पे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो रिसोर्सेज की कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम स्टेट्स जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पे मिनरल्स और जो कोल डिपॉजिट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखें, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की भरमार है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसकी कमी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे यहाँ पे स्टेट है राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सोलर और विंड एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन इसी के साथ में जो वाटर रिसोर्सेज वहाँ पे
बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी देखने को मिलती है, ठीक है। राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। वहाँ पे अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही यहाँ पे रिवर है जो फ्लो कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो कोर डेजर्ट एरिया है जो लद्दाख का, ठीक है, यहाँ पे देखोगे कि रेस्ट ऑफ द कंट्री यानी कि इंडिया से ये अलग है, ठीक है। कैसे यहाँ पे बहुत सारे कल्चर हेरिटेज यहाँ पे पाए जाते हैं, और यहाँ पे वाटर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और भी यहाँ पे जो कुछ मिनरल्स हैं उनकी कमी देखने को मिलते हैं। सो अलग कैसे यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत वो अलग है भारतवर्ष से, ठीक है। सो अदरवाइज पॉलिटिक्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में इसको। सो इसीलिए यहाँ पे एक जो पूरी नेशन में, स्टेट्स में या रीजन में या लोकल लेवल्स में लगा लो आप, ये जो रिसोर्सेज है यहाँ पे प्लानिंग, वो एक बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे कम है उनको भी यहाँ पे ये मुहैया करवाए जाने चाहिए। सो रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया ये भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए, उसके एक लिस्ट बनानी चाहिए जितने भी रिसोर्सेज है पूरी कंट्री में। उसके बाद यहाँ पे सर्वे करना चाहिए, फिर यहाँ पे मैपिंग, यहाँ पे मैप बनाना चाहिए कहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पे कम पाए जाते हैं, कहाँ पे इनकी क्वालिटी अच्छी है, कहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटेटिव में है, ठीक है, मात्रा है जिनकी यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। सो इन सभी यहाँ पे मेज़रमेंट करना बहुत ज़रूरी है रिसोर्सेज की। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे सेटअप करना ज़रूरी है, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, स्किल सेंटर हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। सो ऐसे में इनको जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं इनको लागू करना ज़रूरी है। अब उसके बाद यहाँ पे जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं, ठीक है, ये सो एक यहाँ पे संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे इंडिया ने जो रिसोर्सेज प्लानिंग के गोल्स हैं इनको अचीव करने के लिए, सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च किए थे आज़ादी के बाद, ठीक है। सो 12 5 ईयर प्लान्स चले थे, उसके बाद यहाँ पे नीति आयोग आ गया, ठीक है। सो इन सभी का काम यही है कि कैसे इन रिसोर्सेज को कैसे सही तरीके के साथ यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सके। सो नेक्स्ट है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे यहाँ पे सुरक्षित किया जा सकता है। सो रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। सो यहाँ पे इनको अनरीजनेबल खर्च नहीं करना चाहिए बिना किसी कारण के, और यहाँ पे इनका ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे अदरवाइज सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये डेफिनेटली इंक्रीज़ करेंगे ही करेंगे। सो इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे कम करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं इनकी सुरक्षा के लिए अलग अलग यहाँ पे लेवल यहाँ पे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ पे जो मेन चिंता का कारण है, जो लीडर्स और थिंकर्स जो पास्ट में इन्होंने भी अपने अपने व्यूज़ यहाँ पे दिए थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी द्वारा यहाँ पे बताया गया था कि जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इनको बचाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली थी कि यहाँ पे कुदरत के पास यहाँ पे लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे लोगों के लालच को पूरा करने के लिए कुदरत के पास यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे मैं लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। सो आप लोगों ने अवेंजर मूवी देखी होगी, अवेंजर 3 में जो थैनोस होता है, ठीक है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है यहाँ पे कि जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जिसकी वजह से यहाँ पे रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। सो रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, सो ऐसे में बहुत बड़ी यहाँ पे संकट का समय, ठीक है, आ गया है। सो इसलिए वो थैनोस क्या करता है, वो आधी पॉपुलेशन को बिना किसी भेदभाव, बिना किसी गरीब अमीर को देखे बिना वो क्या करता है कि मैं आधी दुनिया को यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। सो यही कारण होता है कि वो, ठीक है, आप आई होप आप लोगों ने मूवी देखी होगी, ठीक है, उसमें भी ये मैसेज दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो लालची लोग हैं या स्वार्थी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको बिना मतलब यहाँ पे उनका शोषण यहाँ पे किया जा रहा है। ये सबसे यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्सेज हैं उनमें कमी देखने को मिल रही है ग्लोबल लेवल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, पूरे यहाँ पे वर्ल्ड में यही समस्या यहाँ पे चल रही है। सो यहाँ पे जो महात्मा गांधी है वो मास प्रोडक्शन के यहाँ पे अगेंस्ट में थे, मतलब कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पे वो माल तैयार करती हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मास प्रोडक्शन है उसके अगेंस्ट में थे। वो चाहते थे कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन है वो कैसे होनी चाहिए, जन समूह के द्वारा यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा जी, छोटे छोटे रोजगार हैं वो सभी खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे आ रही हैं, ठीक है।
सो ये तो था यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको डिटेल में करवाया जाएगा। सो आज से आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं सो आपको नोट्स भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। सो एटलीस्ट यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी की यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। इसी साल यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, अगस्त से पहले पहले यहाँ पे, अगर तो मुझे रिस्पॉन्स इसका अच्छा मिलता है। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करें। सो अपने आसपास सफाई रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना यही हमारा टारगेट है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।